Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. My name is Subhash Chandra Agarwal. I am Chairman and Managing Director of SMC Global Sporting Limited. उस टाइम पे तो इतना ही सोचा था कि हमें साथ रहना है, लेकिन इतना सचमुच इतना साथ हो जाएंगे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी आज साथ है तो इट इज हमारा लोग एग्जाम्पल भी देते हैं वंडरफुल। जो आदमी मालिक है या जो बॉस है या जो सबसे सीनियर है उसको कभी घबराना नहीं चाहिए। और वो मैं हमारे पास बहुत से चैलेंजेस आए लाइफ के अंदर और हम कभी घबराए नहीं। हमें ये सीखना चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट लेने की बजाय एम्प्लॉयमेंट देना सीखें, ईमानदारी से मेहनत के साथ आगे बढ़ें। मेरा जो जन्म है कांटी गांव के अंदर हुआ है। कांटी हरियाणा के अंदर है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन 10th स्टैंडर्ड तक वहीं से की है। उसके बाद मैं कॉलेज में आ गया था रेवाड़ी के अंदर। 2 साल मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर और प्रेप एजुकेशन होती है, 2 साल मैंने वहाँ से की। फिर मैं चंडीगढ़ चला गया, बीकॉम सेकेंड ईयर एंड बीकॉम फाइनल मैंने चंडीगढ़ से किया और उस 1976 के अंदर। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया टू डू माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। 1980 में मैंने सीए कंप्लीट किया और खेलने कूदने का भी बड़ा शौक था। उस टाइम पे एक होता था गेम जो गुल्ली डंडा, वो मैं खेलता था, कंचे भी खेलता था और अपने दोस्तों के साथ वहाँ गली वली में हॉकी क्रिकेट सब खेलते थे। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय मदन गोपाल अग्रवाल जी हैं। एक तरीके से संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने गीता रामायण महाभारत मेरे ख्याल 500 बार पढ़ चुके थे। कंठस्थ उनको सारी चीज़ें याद थी और उनका ध्यान बिजनेस में कम और धार्मिक कामों में ज़्यादा रहता था। हम बच्चों पर एजुकेशन कराने का पूरा ध्यान था। गांव में रहते हुए उन्होंने हमारे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया। हम 3 भाई हैं, एक बहन है, तो तीनों भाई हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और ये वो गांव में रहते हुए लिमिटेड साधनों से उनका पूरा फोकस था कि हम पढ़ाई अच्छी करें और लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करें। उन्होंने हमें एक ही बात एडवाइस की, कहीं भी कोई भी काम करो ईमानदारी से करो, लाइफ के अंदर कभी झूठ मत बोलो। और जो आदमी ईमानदारी से काम करता है उसकी सक्सेस 101% है। और मेहनत पूरी करो, अपने काम पे फोकस करो, कभी किसी को धोखा मत दो, चीटिंग मत करो, अपना दूसरे को परोपकार करते रहो, दूसरे के लिए हमेशा उसका भले पर ही ध्यान देना चाहिए। कोई तुम्हारे साथ बुरा करे भी तो उसका जवाब बुराई से नहीं अच्छाई से दो, ये उनकी सीख थी। मदर भी हमारी वो अभी जिंदा हैं, श्रीमती गिन्नी देवी। वो भी बिल्कुल पिताजी के पदचिन्हों पे चलती रही और पिताजी की बहुत वेलकम करती है। और हमारे को वो बहुत साधारण स्त्री है और हमेशा एक ही बात कहती है जो पिताजी कहते हैं कि हमेशा कोई भी काम ईमानदारी से करो और कभी भी कोई किसी भी काम के अंदर कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि जिसके अंदर हमें ऐसा लगे कि आपने कोई गलत काम किया है। मैं
मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, मेरे से बड़ी बहन है स्नेहलता गर्ग, और छोटा भाई अशोक अग्रवाल है, उससे छोटा डी के अग्रवाल है। बहुत प्यार है जी, हम एक पंजाबी बाग के अंदर रहते हैं, तो 2200 गज का मकान है, तो उसमें 4 फ्लोर है, तो 3 फ्लोर पे हम 3 भाई हैं, 4th फ्लोर पे हमारी सिस्टर रहती है। वैसे कहना बहुत मुश्किल है, कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जैसे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, हमारे घर में फैमिली के, पूरे फैमिली के संस्कार, और आपस में जैसे हम लोग ब्रदर वगैरह भी हैं, वो भी एक दूसरे को, हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि कुछ फाइनेंशियल लॉसेज भी हुए, तो छोटे ब्रदर ने भी मेरे को सपोर्ट किया, और जब ब्रदर ने ज्वाइन किया तो हमने उसको सपोर्ट किया। इसी प्रकार महेश जी के भी जब हम दोनों पार्टनर थे तो इनकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया, इनके छोटे ब्रदर ने भी सपोर्ट किया। तो ऐसे इंस्पिरेशन तो आप ये कह लीजिए कि ये फैमिली से ही है, सभी से और कुल मिलाकर है। मैं टेबल टेनिस बहुत खेलता हूँ, आज भी खेल के आया हूँ, और बचपन से खेल रहा हूँ, मतलब कॉलेज टाइम से मैं सीखा था। जब मैं ग्रेजुएशन में था चंडीगढ़ के अंदर, तो हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पे सीखा था मैं टेबल टेनिस खेलना, तब से मैं खेलता हुआ रहा हूँ। बाकी गपशप लगाना, फैमिली के साथ बैठना, टीवी देखना, ये सब है हॉबीज। जैसे मैंने बताया कि 1980 में मैंने प्रैक्टिस की, 1990 तक प्रैक्टिस करी थी। 1990 से हम शेयर मार्केट में एंट्री की, पहले हमने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ली, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए 1995 में, और इस प्रकार फिर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ली थी। तो 2000 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ ट्रबल आई थी, वहाँ एक्सचेंज ही फेल हो गया, ये समझ लीजिए 100 साल का रनिंग एक्सचेंज फेल हो गया था। और वहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे बदले बदले पे पैसे लगाते हैं, वो एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि इंटरेस्ट मिलता है, काफ़ी क्लाइंटों का पैसा लगा हुआ था। और हालांकि 6 महीने पहले एक्सचेंज फेल होने से पहले हमें थोड़ा सा एंटिसिपेट विजन ये था कि एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ चल रहा है, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। तो हमने अपने क्लाइंट को कहा था कि भी आप हमारे ये पैसा अपना विड्रॉ करके ले जाओ, अभी इसमें टाइम नहीं है लगाने का इंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन वो इंटरेस्ट इतना हाई था और हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो बहुत बड़ा अमाउंट लगा हुआ था, तो 80% लोगों ने तो ले लिया हमारे कहने से, 20% लोगों ने लिख कर दे दिया कि यदि कोई नुकसान होगा तो हम जिम्मेदार होंगे। फिर फाइनली वो नुकसान हुआ, और एक बड़ा अमाउंट का नुकसान हुआ उस टाइम पे। तो आप समझिए कि मैं एक फिगर बताता हूँ, एक्स नुकसान हुआ तो हमारे पास अपनी कैपिटल उससे कम थी, तो हमने सारी कैपिटल हमारी नुकसान में चली, जबकि हम जिम्मेदार नहीं थे, फिर भी हमने बोरो करके और लोगों को सारा पैसा वापस किया। स्टाफ था 100-125 के करीब उस टाइम पे, वो ये फील करता था कि एसएमसी अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि कैपिटल भी ख़त्म हो गई और बोरो करके हम पैसा पे कर रहे हैं, तो कैसे रन करेंगे। लेकिन जब हमने पे कर दिया लोगों को, तो लोगों ने इसको बहुत ही बड़ा इस चीज़ को समझा, और उन्होंने हमसे डबल ट्रिपल काम किया, और हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी फैल गई कि हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और 1.5 साल के अंदर जो लॉस हुआ था वो हमारा कंप्लीट कवर कर लिया हमने, और उसके बाद हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, तो हम अच्छा कर रहे हैं, वी आर डूइंग वेरी वेल। और 2008 के अंदर इतनी अच्छी प्रोग्रेस की कि हमारा थ्रू आउट इंडिया हमारे काफ़ी ऑफिसेज हो गए, और हमारे को प्राइवेट इक्विटी भी मिल गई है, 150 करोड़ रुपये उस टाइम पे मिले। उस टाइम भी 2008 में भी ग्लोबल मंदी आई थी, लेकिन वो हमने फेस करी और वो भी टाइम निमट गया। हालांकि हमारे पास 150 करोड़ रुपये आने के बावजूद भी वो मंदी इतनी बड़ी थी कि उसमें भी प्रॉब्लम आई थी। और आज की तारीख में हम बहुत बढ़िया हैं, हमारा एक्सचेंज में शेयर लिस्टेड है, NSE BSE में 2500 हमारी ब्रांचेज हैं थ्रू आउट इंडिया, 600 सिटीज़ में हम प्रेजेंस हैं, और
4000 के करीब स्टाफ है, तो हम अच्छा कर रहे हैं, वी आर डूइंग वेरी वेल। जैसे मैंने बताया कि हम दोनों एंटरप्रेन्योर स्किल के थे, सर्विस तो हमने करनी नहीं थी, प्रैक्टिस हमने, इसलिए वो भी एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप थी। तो मैं तो दिल्ली से बाहर का था, तो लोगों को विश्वास ही नहीं था कि प्रैक्टिस चल सकती है। और महेश जी के फादर भी कोई ऐसा नहीं थे कि कोई उनके कोई रिलेशनशिप थी, वो भी किराना स्टोर की दुकान थी, तो उनके भी ऐसे रिलेशनशिप नहीं थे। तो लोगों ने हमें बहुत डिस्करेज किया कि आप पहले ज्वाइन करो वो सर्विस और फिर प्रैक्टिस करना। लेकिन जैसे मैंने बताया, हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे, हमारे लोग नेचर जानते थे हमें, उनको पता था कि हम ईमानदारी से काम करते हैं। तो हमारे फ्रेंड सर्कल भी, जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट की तो फ्रेंड सर्कल ने बिजनेस लाना शुरू किया, और हमने जस्टिफाई किया, अच्छा वर्क किया और रीजनेबल फीस लेते थे, ईमानदारी से काम करते थे। कोई भी हमने, जैसे जिस टाइम हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी उस टाइम भी हमने लोन लिया था ऑफिस लेने के लिए, कुछ पैसा हमारे पास था, पेरेंट्स से लिया था, लेकिन फिर भी ऑफिस बड़ा था और स्टाफ शुरू रख लिया था। जैसे ग्रो करने के लिए आप स्टाफ शुरू में ही रख लेते, हमने शुरू में ही रख लिया था स्टाफ। तो जैसे प्रैक्टिस पिकअप करने में टाइम लगता है, जेस्टेशन पीरियड होता है, वो सब चीज़ें थी, लेकिन वो सबको ओवरकम किया हमने, और हमने 10 साल में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। 1990 में क्या हुआ कि प्रोफेशनल कोटा में एक दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की मेम्बरशिप आई। हमने ये सोचा कि हम लोग दो लोग हैं, हालांकि 15 के करीब स्टाफ था उस टाइम में सीए प्रैक्टिस में, यदि हम लोग इसको करते भी हैं प्रैक्टिस को कंटिन्यू, तो लोग हमसे, क्लाइंट आते हैं हमसे मिलना जरूर समझते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। शेयर मार्केट में हम अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब फैल सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो उस विचार से प्रैक्टिस को, हमारा एक आर्टिकल लड़का था जो फर्स्ट आर्टिकल था, हमने प्रैक्टिस उसको पकड़ा दी विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी लेन देन। उसको एक ही बात कही थी कि जो हमारा काम पेंडिंग है वो तुम क्लाइंट को पूरा सही तरीके से निपटाना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। उसने वो सही तरीके से निपटाया भी, और हम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की मेम्बरशिप ली। तब भी हमारे को सब फैमिली मेम्बर, दोस्त बोले, ये क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस बढ़िया जमी जमाई है, आप इसको छोड़ रहे हैं, ये तो बहुत नेगेटिव चीज़ है। लेकिन हम दोनों रिस्क लेने के में और एंटरप्रेन्योरशिप में एक ही विचार दोनों का होता था, इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। दोनों ने एक डिसीजन लिया और प्रैक्टिस को एक साइड किया और हम सेफ बुकिंग में आ गए। वहाँ पर भी आप देखोगे शेयर बुकिंग में जो ट्रेडिशनल ब्रोकर थे, वो चौपड़ी सिस्टम होता था कि यदि मान लो रिलायंस का रेट 200 रुपये और 250 रुपये है, तो बीच में बहुत 225, 215, 220, 225, तो नॉर्मली वो लोग, यदि आप परचेज कर रहे हैं तो 250 में बताते थे, सेल कर रहे हैं तो 200 में आपका बिका। ये एक माल प्रैक्टिस थी, हमारी वो प्रैक्टिस नहीं रही, हम ईमानदारी से करते रहे। हम 200 में भी किसी ने परचेज किया और 200 रुपये में आया है तो हम उसको 200 ही बताते थे, 250 में बिका है तो 250 बताते थे। तो ये, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी बनी और लोग हमसे जुड़ने लगे। और फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप आई, वहाँ 95 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, उसमें भी एक धारणा थी कि भी एकदम आउटक्राई सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, जहाँ पे बायर कौन है, सेलर कौन है, यू नेवर नो, यू जस्ट एंटर द कंप्यूटर और यू आर डूइंग द ट्रेड। तो वो उसको, क्योंकि उस टाइम पे ये थिंकिंग थी ट्रेडिशनली कि भी मैं जब तक सेलर को नहीं जानूँ, मैं बायर को नहीं जानूँ, तब तक ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। वो भी मेंबरशिप लेना और उसमें इन्वेस्ट करना, ये रिस्क लेना, वो भी हमने लिया और 95 के अंदर वो मेंबरशिप ली और फिर हम बढ़ते चले। देखिए, मैं 6:15 बजे उठता हूँ और रूटीन करके ये योगा मैं क्लास लेता हूँ जूम के ऊपर। पहले मैं पार्क में लेता था, मैं लेता हूँ खुद, तो 15-20 लोग उसमें जुड़ जाते हैं जूम के ऊपर, 1 घंटा 20 मिनट की हम वो लेते हैं क्लास। और फिर रूटीन सब कंप्लीट होके, नहा धोने के बाद टेबल टेनिस खेल लेते हैं,
और फिर मैं 11:15 ऑफिस आ जाता हूँ और 7 बजे तक ऑफिस में रहते हैं और उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ। घर जाके बच्चों के साथ टीवी देखना, गपशप लगाना और उनसे हालचाल पूछना, डिनर करना, रात को लेट 11:30-12 बजे सोते हैं, तो इस तरह से रूटीन रहता है। मेरी 8 दिसंबर 1982 को मैं शादी हुई थी। मेरी वाइफ का नाम हेमलता अग्रवाल है, वो MA इकोनॉमिक्स है, वैसे वो हाउस वाइफ है। मेरे 4 बच्चे हैं, तो उनको एजुकेशन देना, उन पे ध्यान देना, मैं फ्री था कंप्लीट, उनको कहाँ कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है, क्या उसका कैरियर है, क्या उनके साथ जाना, एग्ज़ाम में जाना, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना, तो वो मेरे को इस मामले में निश्चिंत रखती थी कि मैं अपना फोकस बिजनेस में करूं और वो घर के ऊपर बच्चों के साथ फोकस करती थी। यदि वो मैं नहीं संभाल पाती बच्चों को और कुछ भी मेरे को इसके बारे में फोर्स करती, तो मैं आज बिजनेस में जितना बढ़ा हूं उतना नहीं बढ़ पाता। श्वेता अग्रवाल वैसे श्वेता लंदन में हैं, उसकी उनके हस्बैंड ब्लैकस्टोन के अंदर MD हैं और उनका अभिषेक राजगढ़िया नाम है, अभिषेक अग्रवाल लिखते हैं। और मेरी बिटिया वैसे अभी वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देखती है लंदन से ही, वर्क फ्रॉम होम से, तो सी इज़ हेडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बॉम्बे में हमारी टीम है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। दूसरी बेटी अदिति अग्रवाल है, उनके एक हस्बैंड अनुज कंसल हैं, वो एक्चुअरी हैं, तो वो भी लंदन ही थे। और लंदन में मेरी बिटिया जो है, मेरे छोटे ब्रदर हैं अशोक अग्रवाल, उनका ऑफिस लंदन में भी है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वो वहाँ देखती थी और वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और CFA किया हुआ है। अभी रिसेंटली वो इंडिया शिफ्ट हो गए, उनकी सास अकेली थी, उनको थोड़ा लकवा वगैरह पड़ा तो वो शिफ्ट हो गए, अब वो पूरा यहीं पर ही सेटल हो रहे हैं। थर्ड बिटिया है श्रुति अग्रवाल, वो कॉरपोरेट फाइनेंस SMC में देख रही है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लंदन बिजनेस स्कूल से MBA किया हुआ है, CFA भी है, उसने भी लंदन भी ज्वाइन किया हुआ था और अब इंडिया वापस आ गई है, गुड़गांव में उसकी मैरिज हुई है। तो उनके जो हस्बैंड है वो डायरेक्टर है KPMG में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह में, और बिटिया यहाँ पे कॉरपोरेट फाइनेंस में SMC के अंदर है। उनके हस्बैंड का नाम दीपांशु कंसल, बेटा नाम प्रणय अग्रवाल है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CFA का एक लेवल दिया था, फिर उसके बाद मैंने कहा कि ज़रूरत नहीं है कि तेरे को स्टोक कार्ट एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, जैसे जीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकरेज है, ऐसे कंपटीशन हो गया था कि भाई हम लोग ट्रेडिशनल ब्रोकर हैं तो एक डिस्काउंट ब्रोकरेज खोलनी थी, तो उसके लिए भी चैलेंज था कि डिस्काउंट ब्रोकरेज SMC में रहते हुए किस तरह से मैं डिस्टिंग्विश करूँगा, लेकिन वो बहुत अच्छे अब उसका पिकअप हो रहा है, 1 लाख से ऊपर क्लाइंट उसके भी बन गए हैं और ही इज़ हैडिंग दैट और एक्सक्लूसिवली ही इज़ हैंडलिंग और उसकी भी टीम अच्छी बन गई है। ऐसा है जी, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मैं नहीं करता है नहीं अभी अब, लेकिन पहले तो घूमने का शौक था, पहले हिल स्टेशन जाने का भी शौक था या फिर लंदन जाना अच्छा लगता था या फिर आप कह लीजिए US जाना अच्छा लगता था, तो मतलब कहीं पर भी घूमना अच्छा लगता था फैमिली के साथ। फेवरेट लोकेशन ऐसे कोई भी नहीं है, जो बच्चों को पसंद आए वही मेरी फेवरेट बन जाती है पहली बात, दूसरी बात जो वाइफ को पसंद आए वो भी फेवरेट बन जाती है, तीसरी बात ये है जब भी टाइम मिले और अपॉर्चुनिटी मिले, 3 दिन जाना है तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं डेस्टिनेशन, 5 दिन जाना है तो उसके हिसाब से डेस्टिनेशन देख लेते हैं, और आजकल बच्चे डिसाइड करते हैं कि कौन सी जगह जाना है, बाकी मैं सब जगह एडजस्ट करता हूँ फ्लेक्सिबल। फिल्मों का वैसे मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मेरे को कुछ एक भी गाना याद नहीं रहता, कोई कहे कि 2-4 गाने सुना दो तो मुझे नहीं आते, मतलब बस पिक्चर देख लिया, TV पर देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हम
कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे महाराजा अग्रसेन के अंदर भी मैं ट्रस्टी हूँ, है नहीं, और कोई भी अच्छी संस्था होती है, कहीं पर नीड होती है वो हम देख लेते हैं, तो मैं और महेश जी डिसाइड कर लेते हैं आपस में कि भी कहाँ कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कहीं जैसे आरएसएस के एक विद्या भारती और ये समर शिक्षा समिति है वहाँ, तो वहाँ हमने स्कूल वगैरह बनवाने थे बिल्डिंग में, तो वहाँ हमने कंट्रीब्यूट किया। और कहीं पर कुछ जहाँ ज़रूरत होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ हम कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत आस्था है जी, हालांकि मेरे पिताजी भी यही कहते थे कि घर में ही मंदिर है, अच्छा परोपकार करते रहो, वही मंदिर है, मंदिर जाना कोई ज़रूरी नहीं है, जाओ तो अच्छी बात है, नहीं भी जाओ तो कोई बात नहीं है। और सनातन धर्म सबसे बढ़िया चीज़ है, सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए और हमें कभी भी कोई भी चीज़ को नेगेटिव में ना रह देखते हुए पॉजिटिव में देखना। देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो लोग सक्सेसफुल हैं वो सक्सेसफुल क्यों हैं, तो उसको स्टोरी को कोई देखता है तो उसमें इंस्पिरेशन आती है। और ऐसी स्टोरी यदि आप सक्सेस स्टोरी अच्छी 100-200 स्टोरी यदि आप लोगों को देखने के लिए देते हो तो मोटिवेशन बढ़ता है, काम करने का तरीका उनको बेटर हो जाएगा और उनको घबराने की जरूरत नहीं रहेगी उनको, क्योंकि हर सक्सेस के पीछे चैलेंजेस तो हर एक को आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आप बना रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक कहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा कि आपका एक अच्छा विजन है। इससे मेरे ख्याल यदि जो लोग देखेंगे कि इंडिया में अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं और लोग कैसे आगे बढ़े हैं तो प्रेरणा बहुत मिलेगी। देश के युवाओं को कंस्ट्रक्टिव काम करें, एक छोटी सी बात है, आप परोपकार में जरूर लगें। जो आदमी परोपकार करता है उसका अपना उपकार तो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको अपने के लिए चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, दूसरे का परोपकार के लिए ध्यान दें और हार्डवर्क ईमानदारी से काम करें। इस देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हमें ये सीखना चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट लेने की बजाय एम्प्लॉयमेंट देना सीखें और ईमानदारी से मेहनत के साथ आगे बढ़ें, और यही काम है। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel